ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक यानी मस्तिष्क का आघात अर्थात दिमाग की नस का फटना। मस्तिष्क आघात के मरीज को कैसे पहचाने, आइए इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। एक पार्टी चल रही थी, एक महिला को थोड़ी ठोकर सी लगी और वह गिरते गिरते संभल गई, मगर उसने अपने आसपास के लोगों को यह कहकर आश्वस्त कर दिया कि सब कुछ ठीक है, बस नए बूट की वजह से एक ईंट से थोड़ी ठोकर लग गई थी। यद्यपि आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस बुलाने की पेशकश भी की थी उसी समय। साथ में खड़े मित्रों ने उन्हें साफ होने में मदद की और एक नई प्लेट भी आ गई। ऐसा लग रहा था कि महिला थोड़ा अपने आप में सहज नहीं है। उस समय तो वह पूरी शाम पार्टी एंजॉय करती रही, पर बाद में उसके पति का लोगों के पास फोन आया कि उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसने उसी शाम दम तोड़ दिया। दरअसल उस पार्टी के दौरान महिला को ब्रेन हैमरेज हुआ था। अगर वहां पर मौजूद लोगों में से कोई इस अवस्था की पहचान कर पाता तो आज वह महिला हमारे बीच जीवित होती। माना कि ब्रेन हैमरेज से कुछ लोग मरते नहीं हैं, लेकिन वे सारी उम्र के लिए अपाहिज और बेबसी वाला जीवन जीने पर मजबूर हो जाते हैं। स्ट्रोक की पहचान कैसे करें? बामुश्किल एक मिनट का समय लगेगा, आइए जानते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ब्रेन में स्ट्रोक लगने के 3 घंटे के अंदर के पास पहुंच जाए तो स्ट्रोक के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त यानी रिवर्स किया जा सकता है। उनका मानना है कि सारी की सारी ट्रिक बस यही है कि कैसे भी स्ट्रोक के लक्षणों की तुरंत पहचान होकर मरीज को जल्द से जल्द यानी 3 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टरी चिकित्सा मुहैया हो सके। और बस दुख इस बात का ही है कि अज्ञानतावश ये सभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। मस्तिष्क के चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार स्ट्रोक के मरीज की पहचान के लिए 3 अति महत्वपूर्ण बातें जिन्हें वे STR कहते हैं सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। अगर STR नामक ये 3 बातें हमें मालूम हो तो मरीज के बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। क्या है ये STR, आइए जानते हैं। S स्माइल अर्थात उस व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए कहिए। T टॉक यानी उस व्यक्ति को कोई भी सीधा सा एक वाक्य बोलने के लिए कहें, जैसे आज मौसम बहुत अच्छा है, या आपका फेवरेट फल क्या है। R रेस अर्थात उस व्यक्ति को उसके दोनों बाजू ऊपर उठाने के लिए कहिए। STR स्माइल टॉक एंड रेज बोथ द हैंड्स। अगर उस व्यक्ति को उपरोक्त 3 कामों में से एक भी काम करने में दिक्कत है तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे न्यूरो चिकित्सक के अस्पताल में शिफ्ट करें। और जो आदमी साथ जा रहा है उसे इन लक्षणों के बारे में बता दे ताकि वह पहले से ही डॉक्टर को इस बाबत खुलासा कर सके। इनके अलावा स्ट्रोक का एक लक्षण यह भी है, उस आदमी को अपनी जीभ बाहर निकालने को कहे। अगर उसकी जीभ सीधी बाहर नहीं आकर एक तरफ मुड़ सी रही है तो यह भी ब्रेन स्ट्रोक का एक प्रमुख लक्षण है। एक सुप्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर इस मैसेज को पढ़ने वाला इससे ज्यादा नहीं तो आगे कम से कम अगर 10 लोगों को भी भेजे तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बेशकीमती जाने तो बचाई जा सकती है। ये जानकारी मैं इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूं क्योंकि दिवाली के जस्ट नेक्स्ट डे यानी 16 नवंबर 2020 मेरी खुद की मौसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, और क्योंकि हमें थोड़ा बहुत ज्ञान था इसलिए हमने एक टैबलेट उनके जीभ के नीचे रखी जो ज्ञानपूर्वक हमें पता था, और तुरंत हमने एक हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट किया जहां उनका इलाज हुआ और 4 दिन बाद वह डिस्चार्ज होकर घर आई है। अभी उसे 1 महीना हो गया है, वो रिकवर कर रही है। मैं चाहूंगा कि
कि इस माध्यम से अगर ये हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाए तो कुछ जाने हम अपनों की बचा ही सकते हैं। धन्यवाद।